अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज के साथ मैं हूँ अलिश्पा परवेज। मुलाहिजा कीजिए सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स केस की समाअत अब पीर को होगी। वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल में कहा है कि किसी रुकने पार्लियामेंट को ना अहल करार देने के लिए ठोस शवाहिद जरूरी है। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान झूठ बोलकर केस नहीं जीत सकते। अदालत में मुकदमा कानूनी बुनियादों पर लड़ा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दावा किया है कि हुकूमत अदालत में नया कतरी खत पेश करने वाली है। इमरान खान का कहना है कि हुकूमत अब तक कोई मनी ट्रेल सामने नहीं ला सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी का मामला, सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से बीवीआईपी सिक्योरिटी पॉलिसी पर दो हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। आजाद कश्मीर के जिला बाग में ट्रक बेकाबू होकर स्कूल में जा घुसा, उस्तानी और दो तालिबा जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी।